बहुत सारे लोग हैं जो हमारे धरने को खराब करना चाहते हैं, हमारे प्रोटेस्ट को खराब करना चाहते हैं। जंतर मंतर निकल के कनॉट प्लेस पहुंचे थे और यहां पर जो है वो ओपन स्पेस में लोगों से बातचीत करने वाले हैं। देखिए हाथ में संविधान है और संविधान को दिखा रहे हैं। ये मेरे को दे दो जी, ये मेरे को दे दो। बोलो तोड़ कर कहते हैं मीडिया ने बोला है कि बोलो आम लोग सबके लिए अपील। देखो आज हम जंतर मंतर से उठे हम कनॉट प्लेस में आए हैं क्योंकि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो देश की बेटियों की लड़ाई है। कुश्ती में जो लड़कियों के साथ में गलत हुआ है उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो आवाज है वो देश की हर एक बेटी की आवाज बन जाए और पूरे देश से हम समर्थन और सहयोग की हम कामना करते हैं और सभी एक क्रांति की ज्वाला जैसा ये होना चाहिए आंदोलन, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमने जो ये आवाज़ उठाई है ये ऐसे व्यर्थ नहीं जाने चाहिए। इसमें स्पोर्ट्स पर्सन का तो भला होगा ही होगा, जो नॉर्मल जो लड़कियां हैं जिनकी आवाज़ कहीं तक पहुंच नहीं पाती है उनका भी इसमें भला हो जाए और ब्रजभूषण की गिरफ्तारी जब तक नहीं हो जाती है, जब तक हम लड़कियों को न्याय नहीं मिल जाता है, जो हमारी रेसलिंग है वो सेफ नहीं चली जाती है किसी के हाथों में, तब तक ये संघर्ष की लड़ाई हमारी जारी रहेगी। और हम चाहते हैं हमारी इस लड़ाई से कुछ लड़कियों के लिए कोई एक इतना बड़ा रास्ता खुले, इतना बड़ा कुछ उनके लिए हो कि वो कल कुछ किसी भी फील्ड में जाए तो सेफ महसूस करें। ये जो लड़ाई है ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि रेसलिंग में, ये हर फील्ड में होता आया है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कॉरपोरेट वर्ल्ड में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में, हर फील्ड में लड़कियों के साथ में अत्याचार होता आया है। हम चाहते हैं कि जितना ये हुआ है ये कभी आगे ना हो, इसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं और आप सब से सहयोग और समर्थन की हम उम्मीद करते हैं और चाहते हैं कि आप सब साथ में आइए इस लड़ाई में, क्योंकि ये हम चाहते हैं कि जन आंदोलन बन जाए, ये हर एक उस घर तक आवाज़ जानी चाहिए, हर घर में बहन बेटियाँ हैं और ये आग वहाँ तक ना पहुँचे, इसलिए हम आज ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये ज्वाला की जो आग है ये बुझनी नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि हम जितने सालों बाद जो हिम्मत की है लड़कियों ने वो व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। बस आप सबसे जिस तरह से उनको डराया जा रहा है उनके घर धमकाया, जैसे जिन लड़कियों ने कंप्लेंट्स दी है उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनके घर तक आदमियों को भेजा जा रहा है। रात को तीन तीन बजे तीन तीन चार चार गाड़ियां घूम रही हैं कि उसको डरा धमका के उसको पॉस्को वाली को वापस ले ले, पर हम डरने वाले घबराने वाले नहीं हैं क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारी लड़कियों की महिलाओं की उम्मीद है कि हम ये लड़ाई जीतेंगे। और अगर ये हम लड़ाई जीतते हैं तो हम बहुत बड़ा मैसेज जो है दुनिया भर में दे पाएंगे और लड़कियां जो है आगे बोल पाएंगी। अभी जो है हमारे पास इतनी महिलाएं आती हैं, इतनी लड़कियां आती हैं कि हम आवाज़ नहीं उठा सकते, हमारी तो FIR नहीं होती, हमें दबा दिया जाता है, हमें तो घर में ही मार के बिठा दिया जाता है, तो उनकी हम आवाज़ बनना चाहते हैं और ये लड़ाई हम जीतेंगे, चाहे कितने भी दिन लग जाए, चाहे कितना भी समय लग जाए। जब तक ब्रजभूषण गिरफ्तार नहीं होता, उस पर उचित कार्रवाई नहीं होती, जब तक हम जंतर मंतर पे बैठेंगे, जंतर मंतर के अलावा भी जैसे आज हमने यहाँ CP में प्रोटेस्ट किया है, हम देश के शहर शहर में जाएंगे और महिलाओं को बेटियों को इस चीज़ के बारे में जागरूक करेंगे कि वो हमारी बात सुने और उनमें भी हिम्मत आए और हमारे जो हमारा जो आंदोलन है उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग समर्थन करें। धन्यवाद। बलवान बच्चों को ये दो। कहते हैं जो रात में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके बीच की बातें जो है वो आगे जा रही है या कुछ लोग उसमें आ रहे हैं? देखो बातें तो चाहे कुछ भी चली जाए, हम तो कुछ गलत बात कर ही नहीं रहे, हम तो 24 घंटे वहाँ रहते हैं, वहीं खा रहे हैं, वहीं सो रहे हैं, वहीं सब कुछ है। तो बस कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं बीच में कि हम यहीं सोएंगे, जो कि हम उनको जानते नहीं हैं, वो अपना ID कार्ड्स भी नहीं दिखाते हैं, अब मुझे नहीं पता फ़ोन वो रिकॉर्डिंग पे रख रहे होते हैं। दो तीन ऐसी घटनाएं हुई हैं हमारे साथ और इस चीज़ का हम और ध्यान रख रहे हैं कि आगे ऐसा ना हो। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे धरने को खराब करना चाहते हैं, हमारे प्रोटेस्ट को खराब करना चाहते हैं। कुछ लोग जो है गलत नारे लगाते हैं, हम उनका भी खंडन करते हैं। आखिरी सवाल है मेरा कि आज सत्यपाल मलिक ने ये कहा है कि जो हम पर जातिवाद का ठप्पा लगाया जा रहा है, अब चंद्रशेखर यहाँ पर आ चुके हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखो सबसे पहले तो ना एक खिलाड़ी का इससे कोई लेना देना, जब हम मेडल जीत के आते हैं जब कोई नहीं बोलता ये इस जाति की, इस जाति की, इसकी है, जब तो बोलते हैं ये हमारी बेटी है, आज क्यों नहीं बोल रहे हैं हमारी बेटी है? मेडल के टाइम पे तो हमारी बेटी, और अभी जात पात अड़ा रहे हैं।
तो हम जितने खिलाड़ी यहाँ बैठे हैं, हम नहीं मानते इस चीज को, हम इंसानियत को मानते हैं। इंसानियत बहुत बड़ी चीज है और उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस पर पहुंची है, दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस से भी एक मैसेज क्या है कनॉट प्लेस के लिए? बस मैसेज यही है, आप लोगों के थ्रू जो भी हमें सुन पा रहे हैं, आप सबसे हाथ जोड़ के अपील है, ये भारत की बेटियों की लड़ाई है और हमें ये लड़ाई जीतनी है और हमें अपनी देश को, महिलाओं को बहुत आगे लेके जाना है कि वो भी अपना आगे प्रदर्शन का और भी बड़ा रूप देख लेना चाहिए। बिल्कुल, सुनवाई हुई तो हम बड़े निर्णय भी ले सकते हैं। बहुत धन्यवाद। देखिए, ये अभी चंद्रशेखर आजाद हाथ में संविधान लेकर कनॉट प्लेस में खड़े थे और उन्होंने काफी कुछ मैसेज दिया है। उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि अब जो है इस आंदोलन का एक बड़ा रूप भी देखने को मिल सकता है और यहाँ से अब कनॉट प्लेस से ये तमाम खिलाड़ी चंद्रशेखर आजाद यहाँ से लेकर अब जंतर मंतर की तरफ वापस जा रहे हैं। ये देखिए सामने, ये चंद्रशेखर आजाद हैं और ये तमाम खिलाड़ी हैं वापस से अब जंतर मंतर की तरफ ये जा रहे हैं।